विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पारंपरिक और अनोखा दशहरा शनिवार को बेटमा की अमन चमन पहाड़ी पर मनाया गया। आयोजन में दनादन बंदूकें चली, घोड़ों की टॉप से अमन चमन पहाड़ी एक बार फिर गूंज उठी। वहीं दो राउंड में घोड़दौड़ प्रतियोगिता हुई। घोड़दौड़ और बंदूक से मटकी पर निशानेबाजी की गई। प्रतियोगिता के चलते रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था। विशाल रावण दहन पश्चात पुरस्कार वितरण हुआ। दशहरा आयोजन को लेकर बेटमा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सारी तैयारियां कर ली थी और पुलिस प्रशासन इसके लिए मुस्तैद रहा। विजयादशमी पर अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक दशहरा बेटमा में अपने अनूठे रोमांचकारी और एक अलग अंदाज में मनाया जाता है। बंदूक की गोली की आवाज होते ही खड़ी पहाड़ी पर घोड़ों का झुंड अपनी जीत के लिए निकल पड़ता है। तेज दौड़ते घोड़ों के टापों की आवाज और मटकी का निशाना लगाती दनादन चलती गोलियों की आवाज खचाखच भरे मैदान में रोमांच पैदा कर देती है और गगनचुंबी आतिशबाजी आसमान को सितारों से भर देती है। यह नजारा होता है बेटमा की मां अमन चमन की पहाड़ी पर, जिसे निहारने 50,000 से अधिक दर्शक बेटमा पहुंचते हैं। और बेटमा में दशहरा पर्व की रियासतकालीन परंपरा अपने उसी अंदाज में मनाई गई और उन्हीं परंपराओं के कारण देश और प्रदेश में प्रसिद्ध और शुमार है। इसलिए बेटमा का यह दशहरा ऐतिहासिक, पारंपरिक, विश्व प्रसिद्ध और अनोखा है। कहा जाता है कि सियासत काल में तो जागीरदार, ठिकानेदार, ओहदे वाले लोग एक दिन पहले ही आकर अपने घोड़े बंदूकों के साथ अमन चमन पहाड़ी पर अपना डेरा जमा लेते थे। यहाँ सबसे पहले घोड़दौड़ प्रतियोगिता हुई। घोड़दौड़ प्रतियोगिता 3 चरणों में हुई, फिर बंदूक से मटकी पर निशानेबाजी की प्रतियोगिता हुई। लाइसेंसधारी बंदूक वाले निशानेबाज ही इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ है। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। Hello, hello. Hello, hello.
हम पे साथ भैया थोड़ा सा पीछे आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर या तो बैठ जाएंगे आगे की ओर चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप ये हट जाइए सामने से। समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। रोशन भैया, ये सब लोगों को बिठा दो इधर से, मंच से जो मटकी फोड़ता है उसका निर्णय नहीं हो पाए। बैठिए सभी, पांच पांच लाख बीस बीस लाख के घोड़े आप संभालते हो, आपके कारण ये दशहरे का आयोजन बनता है। ये सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति कोई मैं अकेला है, हम सब लोग नहीं मनाते, आप लोगों के सहयोग से बनता है। और इनकी भी थी दो घोड़ी साथ में, रवि दिनेश मारोड़े जी। सर पर हमारे बेटमा का, मेरे लिए नहीं पूरी बेटमा नगर के लिए बड़ा उत्साह का पर्व रहता है। इस दिन ये 150 सालों से ज़्यादा हम मनाते आ रहे हैं इसे। इसको तीन चरण में मनाते हैं हम, पहले घुड़दौड़ करते हैं, फिर घोड़ों की प्रतियोगिता होती है, उसके बाद मटकी फोड़ करते हैं बंदूक से, जो लाइसेंसधारी जिनकी बंदूक होती है वो। पहली और दूसरी मटकी आज सौभाग्य से मेरे द्वारा फूटी गई है, उसका मुझे बहुत खुशी है और बड़ा हर्ष का त्यौहार है। सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। मैंने पहले 2009 में भाग ले चुका हूँ, तब मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तब चीज़ें कुछ और थी। आज चीज़ें बड़ी व्यवस्थित और प्रशासन की निगरानी में होती है, तो ये मेरा दूसरी बार भाग है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान, निवासी बेटमा रावला। बेटमा में 12 अक्टूबर को शनिवार के दिन बेटमा की परंपरा के अनुसार
सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में दशहरा मनाया गया और उस दशहरे में दो चरणों में घुड़दौड़ हुई, दो चरणों में मटकी फोड़ प्रतियोगिता हुई। फिर अंधेरा होने के कारण हमने सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति ने निर्णय लिया कि अंधेरा होने के कारण सूर्यास्त के बाद हमने निशानेबाजी प्रतियोगिता बंद करवा दी। साथ ही सभी पत्रकार बंधु, सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी जितने भी बेटमा नगर के आसपास के क्षेत्र से पधारे, सब मातृशक्ति, सभी भाई बंधु, सभी को मैं सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति की ओर से के अध्यक्ष होने के नाते सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सभी के सहयोग से ये दशहरा बहुत अच्छा मना, इसके लिए भी सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय श्री राम। आज बेटमा में अमन चमन टेकरी है, उस पर दशहरा का आयोजन किया जाता है। इसमें रावण दहन मुख्यतः, आतिशबाजी, घुड़दौड़ और कुछ ऑब्स्टेकल रेसेस होती हैं। इसके साथ ही एक निशानेबाजी का भी यहाँ पर परंपरा रही है। तो आज पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में पूर्ण रूपेण आयोजन बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुआ और बड़ा हर्ष का समय है। मैं सभी को इसी के साथ दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बेटमा नगर में प्रतिवर्ष दशहरा का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें घुड़दौड़, रावण दहन, निशानेबाजी, मटकी फोड़ और आतिशबाजी का कार्यक्रम होता है, जिसमें आसपास के बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। हमारे द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है, जिसमें हमारे पुलिस बल हैं, कोटवार हैं और अन्य विभाग के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। आप सभी को दशहरा पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।